पंजाबी गायक गुरु रंधावा पर कनाडा के वैंकूवर में क्वीन एलिजाबेथ थिएटर में एक लाइव परफॉर्मेंस के बाद हमला किया गया, जिसके चलते उनकी दाहिनी भौं पर 4 टांके लगे हैं। अब वह भारत लौट चुके हैं। रंधावा के ऑफिस ने गायक के बारे में इंस्टाग्राम पर जानकारी साझा की है और इसके साथ ही एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें रंधावा अपनी भौं पर बैंडेज के साथ नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा गया है, एक सफल अमेरिका कनाडा दौर के बाद अपनी दाहिनी भौं पर 4 टांके के साथ गुरु भारत लौट चुके हैं। यह हादसा वैंकूवर में 28 जुलाई को तब हुआ जब गुरु ने एक पंजाबी शख्स को उस वक्त मंच पर आने से मना कर दिया जब वह दर्शकों के लिए परफॉर्म कर रहे थे। वह आदमी मंच पर जाने की कोशिश बार बार कर रहा था और इसके बाद उसने बैक स्टेज पर सबके साथ लड़ना शुरू किया। स्थानीय प्रमोटर सुरिंदर संघेरा उसे जानते थे, जिन्होंने शो के दौरान उसे वहां से निकाल दिया। इस पोस्ट में आगे कहा गया, लेकिन जब गुरु ने कार्यक्रम को खत्म किया और वह मंच से जा रहे थे, वह पंजाबी आदमी आया और एक मुक्के के साथ उनके चेहरे पर जोरदार वार किया, जिसकी वजह से भौं के ऊपर उनके माथे से खून बहने लगा और वह वापस स्टेज पर गए और दर्शकों को यह दिखाया। इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वह अभी भारत में घर पर हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि उन्होंने कहा है कि अपनी ज़िंदगी में वह कनाडा में कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। गुरु ने कहा है कि गुरु नानक देव जी ने उनकी रक्षा की है और उन्होंने वाहेगुरु से उस आदमी को इस बात की अच्छी समझ देने की प्रार्थना की है कि क्या करें और क्या ना करें। रंधावा हाई रेटेड गबरू, सूट सूट, पटोला, बन जा तू मेरी रानी और लाहौर जैसे मशहूर गानों के लिए जाने जाते हैं। फिल्मी अड्डा से शिवानी शुक्ला की रिपोर्ट।